प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आज एक वेबिनार को संबोधित किया। यह आम बजट 2022 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों पर आधारित है। वेबिनार में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रख्यात वक्ताओं और विशेषज्ञों के साथ पैनल चर्चा की, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं में विभिन्न हितधारकों को शामिल किए जाने पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वेबिनार को संबोधित करते हुए ये कहा कि हम भारत में एक ऐसा स्वास्थ्य ढांचा बनाना चाहते हैं जो बड़े शहरों से परे हो, एक भारत एक स्वास्थ्य की भावना के साथ। ब्लॉक जिला स्तर पर गांवों में आवश्यक सुविधाएं लाई जाएंगी, निजी क्षेत्र उनके रखरखाव और उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने आगे यह भी कहा कि हमारा फोकस हेल्थ के साथ साथ वेलनेस पर भी है। तीन कारकों को केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किए जाने वाले इस वेबिनार में तीन सूत्र रखे गए हैं। इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ई संजीवनी और टेलीमेडिकल स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल है। बजट में ध्यान रखा गया है कि जिसमें आधुनिक बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन विस्तार, अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और आधुनिक और भविष्य की तकनीक को अपनाना शामिल है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।